हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खीर, वो भी बिल्कुल देसी तरीके से। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं, कोई कंडेंस मिल्क मिल्क पाउडर या गड़म शगड़म नहीं डालेंगे। बिल्कुल सिंपल सी दो तीन चीज़ों के साथ ये खीर बनाएंगे। फ्रेंड्स, इस खीर की खासियत है कि इसको सर्व करने का तरीका और साथ में इसको बनाने का तरीका, जिससे ये जो खीर है खाने में जो रेगुलर खीर होती है उससे बिल्कुल ही टेस्ट इसका अलग आता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये प्यारी सी और सिंपल सी खीर की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इस देसी स्टाइल खीर को बनाने के लिए हमें चाहिए खीर वाले चावल। ये इस तरीके से थोड़े मोटे साइज के होते हैं। आप इसकी जगह टूटा फूटा जो चावल होता है वो भी यूज कर सकते हैं, पर बासमती चावल मत लीजिएगा फ्रेंड्स, वो पकने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। तो बस अब इन चावलों को हम कम से कम दो चार बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। जब इसका पानी बिल्कुल क्लीन हो जाए उसके बाद इसमें हम दूसरा पानी डालेंगे और इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे, ताकि जो ये चावल हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो जब तक चावल भीग रहे हैं हम जो है कढ़ाई के अंदर डालेंगे करीबन 2-3 टेबलस्पून पानी। अब पानी इसलिए डालते हैं फ्रेंड्स ताकि जो हम दूध इसके अंदर डालेंगे वो नीचे से चले नहीं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे करीबन 1 लीटर फुल क्रीम दूध। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ जो है भैंस का दूध लिया और ये बिल्कुल फुल क्रीम वाला है, मतलब बिल्कुल भी मैंने इसकी मलाई वगैरह नहीं निकाली है, मलाई के साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ। तो दूध लेते समय आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जितनी अच्छी क्वालिटी का आप दूध लेंगे हमारी खीर भी उतनी ही बढ़िया बनेगी। जैसे आज हम खीर में कोई भी मिल्क पाउडर वगैरह या कोई भी मतलब फालतू की चीज़ नहीं डालेंगे, बिल्कुल सिंपल से दो तीन चीज़ों के साथ ही हम ये खीर बनाएंगे, तो उसके लिए दूध की क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अब इस दूध को हम एक बार अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो जब इस तरीके से बढ़िया सा दूध में उबाल आ जाए उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में रख देंगे और इस स्टेज पर इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। तो मैंने जो चावल है उनका पानी निकाल दिया है, अब ये सारे जो चावल है इसके अंदर डाल देंगे और चावल डालने के बाद एक बार इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। बस अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम ढककर अच्छे से कुक करेंगे जब तक कि जो ये चावल है पूरी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो जब तक हमारी खीर अच्छे से कुक हो रही है हम इसके लिए ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई के अंदर हम 1 छोटी चम्मच देसी घी डाल देंगे। इस घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बारीक कटे हुए काजू बादाम और थोड़ा सा सूखा वाला नारियल। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जो है करीबन 8-9 काजू लिए हैं, साथ में 8-9 के आसपास बादाम यूज़ किए हैं और थोड़ा सा मैंने यहाँ जो है सूखा वाला नारियल यूज़ किया है, करीबन 2 टेबलस्पून के आसपास होगा। तो ड्राई फ्रूट्स को आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे किशमिश वगैरह भी आप डालेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया लगती है खीर के अंदर। तो बस अब धीमी आँच पर इन सारी चीज़ों को हम भून लेंगे। तो इनको हमें जब तक भूनना है जब तक कि हल्का सा इनका कलर चेंज नहीं हो जाता, साथ में इनमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। तो फ्रेंड्स, घी में ड्राई फ्रूट्स का भूनने का फायदा ये होता है कि इनका जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा और इनहेंस हो जाता है। वैसे अगर आप ये वाला प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिंपल आप बारीक कट करके भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो इधर जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनमें अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है। तो बस इसे हम किसी भी प्लेट या बाउल में निकाल लेंगे और इधर जो हमारी खीर है ये भी बहुत अच्छे से कुक हो रही है, बस बीच बीच में थोड़ा बहुत इसे हमें चलाते रहना है। तो करीबन मुझे इसे कुक करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जो दूध की क्वांटिटी है वो काफ़ी हद तक कम भी हो गई है। तो खीर को यहाँ मुझे पकाते हुए करीबन 25 मिनट हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं खीर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है पहले से। तो एक बार चावल को हम चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से कुक हुए हैं कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम चावल को एक बार दबा के देखेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से ही मैश हो रहे हैं, यानी चावल हमारे बढ़िया से कुक हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम लेंगे इस तरीके से मथनी और इसको हम अच्छे से जो है मैश करेंगे। देखिए चावलों को बढ़िया से मैश करने से जो हमारी खीर है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी बनकर तैयार होती है। कोई भी इसमें हमें मावा या फिर कंडेंस मिल्क मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप इस तरीके से करिएगा खीर एकदम गाढ़ी बनकर तैयार होगी। अगर मथनी नहीं है तो आप इसकी जगह जो करछी होती है ना उसकी बैक साइड से भी जो चावलों को मैश कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से मैंने चावलों को मैश कर लिया है और जो हमारी खीर है ना वो बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब इसी स्टेज पर इसके अंदर हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने अभी घी में भुने थे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ बचा लिए हैं, इन्हें हम गार्निश के टाइम पे यूज़ करेंगे। साथ में 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे और साथ में ही डालेंगे केसर वाला दूध। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ इस दूध के अंदर से करीबन 3 टेबलस्पून दूध निकाल लिया था और उसके अंदर 8-9 केसर के धागे डाल दिए थे। तो फ्रेंड्स, केसर वाला दूध और हरी इलायची जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, आप सिंपल ड्राई फ्रूट्स के साथ भी इन्हें बना सकते हैं। तो बस अच्छे से इन सारे
सारी चीजों को जो है हम मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत ही गाढ़ी क्रीमी हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। तो अभी फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इसमें मीठा तो अभी तक यूज़ किया ही नहीं, तो इस खीर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें हम मीठा इस स्टेज पर नहीं डालते हैं। तो एक बार हम फ्लेम बंद कर देंगे और इस खीर को हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। जब ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसे हम फ्रिज में रख देंगे अच्छे से ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडी ठंडी खीर ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। वैसे गर्म भी अच्छी लगती है, बट अब इस खीर को यहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लिया है, तो इसे हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने इस तरीके एक मिट्टी का बर्तन लिया है, आपके पास जो भी घर में अवेलेबल हो, प्लेट कटोरी, आप उसी में इसको डाल लें। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे मीठा, तो उसके लिए यहाँ मैंने ली है गुड़ की शक्कर, और इस शक्कर को हम अपने टेस्ट के हिसाब से इसके ऊपर डाल देंगे। आप गुड़ की शक्कर की जगह यहाँ पर खांड वगैरह भी यूज कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स चीनी वगैरह बिल्कुल मत यूज कीजिएगा इसके ऊपर, इसी तरीके से खांड या गुड़ की शक्कर ही डाली जाती है। अब ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और केसर के धागे डाल देंगे और ये हमारी बहुत ही देसी स्टाइल की टेस्टी खीर बनकर बिल्कुल तैयार है ना फ्रेंड्स। थोड़ी सी डिफरेंट, आपने अगर अभी तक इस तरीके से ट्राई नहीं किया तो ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद बताइएगा कि घर में अपने सभी को कैसी लगी। और अगर आपने ट्राई कर ली है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये प्यारी सी रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही प्यारी सी और टेस्टी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।